दोस्तों अब तक आपने बहुत सी इंस्पिरेशनल मूवी देखी होगी, जैसे थ्री इडियट्स, मान जी द माउंटेन मैन, भाग मिल्खा भाग और तारे जमी पर। लेकिन आज जो पांच मूवीज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मूवीज आपकी जिंदगी बदल सकती है। ये मूवीज आपको इतना इंस्पायर करेगी कि इन्हें देखने के बाद आपके अंदर का जिद्दी इंसान जाग जाएगा, जो ना रुकता है ना थकता है, बल्कि सामने आने वाली हर प्रॉब्लम को लात मार के आगे बढ़ता है। इसलिए ये पांच मूवी एक बार जरूर देखना। सबसे पहली जो मूवी है उसका नाम है अजब सिंह की गजब कहानी। ये एक लड़के की स्ट्रगल भरी लाइफ के ऊपर बेस है, जिसमें साइकिल पर बैठा ये छोटा लड़का अपने पापा से पूछता है कि पापा, ये गाड़ियों पर पीली पट्टी लगाकर चलने वाले लोग कौन हैं? तो उसके पिताजी जवाब देते हैं कि जो बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं वही ऐसे बड़े अफसर बनते हैं। दोस्तों वो लड़का उसी दिन से ठान लेता है कि मुझे भी एक बड़ा अफसर बनना है। तो दोस्तों बड़ा अफसर बनने तक इसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और फिर फाइनली वो कैसे IRS ऑफिसर बन जाता है। ये एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मूवी है और जो स्टूडेंट्स है वो इस मूवी को एक बार जरूर देखना। दोस्तों दूसरी मूवी का नाम है द वो। ये मूवी एक फिलिप नाम के बंदे की जिंदगी से इंस्पायर्ड एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस है, जो कि फ्रांस में रहता था। उसे बचपन से ही रस्सियों पर चलने का बहुत शौक था और इस वजह से उसके पिताजी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। वो स्ट्रगल करता रहा और धीरे धीरे उसका रस्सियों पर चलने का शौक इतना बड़ा हो गया कि उसने एक दिन फैसला किया कि अब वो ट्विंस टावर पर वायर वॉक करेगा। 1973 में ट्विंस टावर दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक थी, लेकिन 2001 में ओसामा बिन लादेन ने इन बिल्डिंग्स पर बॉम्ब गिराया था और इन बिल्डिंग्स को खत्म कर दिया। दोस्तों उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स पर वायर वॉक करना एकदम इम्पॉसिबल सा काम था, लेकिन इस मूवी को देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए इस मूवी को भी एक बार जरूर देखना। दोस्तों तीसरी जो मूवी है उसका नाम है डेड पॉइंट सोसाइटी। इस मूवी ने 19 अवार्ड अपने नाम किए थे, जिनमें से एक ऑस्कर भी था। दोस्तों ये मूवी एक इंग्लिश टीचर पर बेस है, जिसके पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग था। इस मूवी में वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि किताबों और चार दीवारों से बाहर आकर बाहरी दुनिया से कैसे सीख ली जाती है। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ये मूवी आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी आपको सिखाएगी कि सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। दोस्तों चौथी मूवी का नाम है ट्रैप्ड, जो कि एक बॉलीवुड मूवी है, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे राजकुमार राव, जो एक ऐसी बिल्डिंग में फंस जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं रहता और वहाँ पर वो गलती से एक रूम में लॉक हो जाते हैं। उस रूम में ना ही खाने के लिए खाना होता है और ना ही पीने के लिए पानी। वो कई दिनों तक उस रूम में फंसे रहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारते और अपने आप को जिंदा रखते हैं। दोस्तों ये मूवी आपको सिखाएगी कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। इसलिए इस मूवी को भी एक बार जरूर देखना। दोस्तों पांचवें नंबर पर जो मूवी है उसका नाम है गुडविल हंटिंग, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.3 और इस मूवी ने 60 नॉमिनेशन और 22 अवार्ड जीते हैं, जिसमें से 4 ऑस्कर अवार्ड भी हैं। दोस्तों ये मूवी है मैथमेटिशियन जीनियस की, जिसको पता नहीं होता है कि उसके पास जो गॉड गिफ्ट है उसकी क्या वैल्यू है। बाद में उसे एक साइकोलॉजिस्ट मिलते हैं जो उसे उसकी वैल्यू बताते हैं। उसके बाद क्या होता है ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। दोस्तों ये भी एक बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है, खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जिन्हें अपने अंदर छुपे टैलेंट के बारे में पता ही नहीं होता। दोस्तों मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपने ये पांच मूवीज देख ली और ये मोटिवेशनल स्टोरी सुन ली तो आप पूरी तरह एनर्जी से भर जाओगे और हर इम्पॉसिबल काम को आप पॉसिबल कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।